पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी, 9 भाजपा सांसदों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि इस कवायद में अब लगी हुई है कि मध्य प्रदेश में जितने दिग्गजों को उतारा उनको अब सिलसिलेवार मध्य प्रदेश लेकर आया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। प्रहलाद सिंह पटेल ने भी इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी मंजूर। सभी 9 भाजपा सांसदों का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, मुखिया कौन होगा, ये तमाम सवाल हैं। किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये देखने वाली बात। लेकिन उससे पहले जो प्रोसीजर संवैधानिक तौर पर चला आ रहा है, पहले वाले पद से आपको इस्तीफा देना होता है। चूंकि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं तमाम दिग्गज, 9 भाजपा सांसद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री के पद से भी प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर इस्तीफा दे चुके थे, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। ओम बिरला की तरफ से इस्तीफा मंजूर किया गया, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी संभालते हुए तमाम दिग्गज आपको नजर आने वाले हैं। 9 भाजपा सांसदों के इस्तीफे मंजूर हुए हैं। अब अलग अलग क्रम में आप ये सिलसिला देखेंगे। अब तमाम जो कवायद हैं वो पार्टी के स्तर पर होंगे। और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। ना सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ से बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा उन्हें देना था। आवास में समर्थकों का जुटना भी शुरू हो चुका है। भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं पहले से ही समर्थक दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि केंद्र का प्रभार संभालते हुए लगातार काम करते आए हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री के पद से अपने उनकी तरफ से इस्तीफा। और बड़ी बात यह है कि अब समर्थकों का जुटना उनके बंगले पर यह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अच्छी खासी जिम्मेदारी अब कोई मिल सकती है नरेंद्र सिंह तोमर को, और इसलिए अग्रिम बधाई देने के लिए तमाम लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, अलग अलग नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री अगर उन्हें ना कहें तो बेहतर होगा, चूंकि अब इस्तीफा उनका मंजूर भी हो गया है। मध्य प्रदेश में अब जिम्मेदारी संभालते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नजर आएंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं। सही है, अशरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये तस्वीरें कुछ संकेत भी दे रही हैं, क्योंकि ये बता रही हैं कि आगे मध्य प्रदेश में अच्छी खासी कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है उन्हें।